राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे एक आईएएस कोचिंग सेंटर पर बड़ा हादसा हुआ। शनिवार रात बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों में आक्रोश है, उनका गुस्सा उबाल पर है। छात्रों ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया और छात्र जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भड़के हुए छात्रों को शांत कराने एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा पहुंचे। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दर्द से छात्र गुजर रहे हैं वो उसे समझते हैं। फिर से छात्रों की तरफ से सवाल किए जाने पर डीसीपी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। अबाउट नंबर्स जो चल रहे थे तो 3 कैजुअलिटीज हैं, वो हम लोग रेगुलरली बता रहे हैं। पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट इज व्हाट द फैक्ट इज। ओके, क्वेश्चन फाइनल आप एक बार सुन लेंगे, आपका क्वेश्चन होंगे, वॉट एवर आई कैन आंसर लीगली एट दिस फोरम एट दिस स्टेज। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से एडिशनल डीसीपी ने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि कानूनी तौर पर जो भी संभव होगा हम करेंगे, जांच चल रही है। इतना ही नहीं, आक्रोशित छात्रों से मिलने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पहुंची, जहां पर मालीवाल छात्रों के बीच बैठी दिखाई दी और छात्र उनसे बातचीत कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि दिल्ली में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही हैं। इनके लिए कोई सख्त नियम क्यों नहीं है, छात्रों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद भी छात्रों ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए थे।